मथुरा जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों वैल्यू चोरों के खिलाफ चेकिंग अभियान के तहत थाना फरह पुलिस और स्वाट टीम को उस समय सफलता हाथ लगी जब 25,000 का इनामी बदमाश मथुरा में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में आया हुआ था, जिसे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मध्य प्रदेश का रहने वाला कुख्यात अपराधी मथुरा आया हुआ है जो कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए थाना फरह पुलिस और स्वाट टीम ने घेराबंदी कर गांव फतेहाकट के पास घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके पास से नाजायज एक पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़ा गया अपराधी कई मामलों में वांछित चल रहा है, जिस पर पुलिस द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित था, जिसे पकड़ने में पुलिस द्वारा सफलता हासिल कर ली गई है। पकड़ा गया अपराधी गज्जू उर्फ राजू पुत्र कोक सिंह निवासी कुटिया थाना अम्बाह जिला मुरैना का रहने वाला है। यह जानकारी एसपी सिटी श्रवण कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। देखिए, स्वाट टीम और थाना फरह की टीम के द्वारा 25,000 का रिवार्डेड क्रिमिनल पकड़ा गया है, जो वर्ष 2007 से विद्युत के अपराध में वांटेड चल रहा था और ये 25,000 का इनामी था। स्वाट टीम इस पे लगी हुई थी। ये अम्बाह मुरैना स्टेट एमपी का रहने वाला है। इसको ट्रैक करते हुए सर्विलांस के माध्यम से, ग्राउंड इंटेलिजेंस के माध्यम से हमारी टीम वहाँ तक पहुँची और फिर इसको डिटेल जब इसको इनपुट किया तो पता चला कि जो है जहाँ पे रह रहा था उसके ठिकाने पे इन्होंने दबिश डाली, फिर इसको अरेस्ट किया। मथुरा पुलिस बर्डे रिवार्डेड क्रिमिनल को जो पकड़ रही है और आप देख रहे हैं कि स्टेट में नंबर 1 नंबर 2 हमारी फिगर जा रही है। अच्छी बात है ना। और जिस तरीके से क्रिमिनल को ट्रैक कर रहे हैं, क्रिमिनल पे पहुंच रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। मथुरा पुलिस बर्डे रिवार्डेड क्रिमिनल को जो पकड़ रही है और आप देख रहे हैं कि स्टेट में नंबर 1 नंबर 2 हमारी जगह जा रही है। अच्छी बात है ना। अच्छी बात है भाई, हम बाहर के ढूंढ के लाके पकड़ रहे हैं, मथुरा को खंगाल लिया, मथुरा के बाहर निकल रहे हैं। चल शुरू करें।